हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिनटॉक इंडिया जहां पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और प्रॉपर नोट्स के साथ हमारे चैप्टर को समझते हैं तो हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास सेवंथ साइंस का चैप्टर नंबर थ्री हीट एंड दिस इज पार्ट सिक्स वीडियो जिसमें हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को और डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर के जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप क्लास सेवन साइंस का प्ले भी देख सकते हैं मिनटॉक इंडिया चैनल में बट बिफोर डिस्टार्ट टू डिस क्लास हिज ए शोर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी हॉट एयर विल ऑलवेज राइज अप इसे फिनमिनन के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग एक्सपीरियंस करते हैं आपने दिन के टाइम नोटिस किया होगा जो लैंड होता है वो ज्यादा गर्म हो जाता है पानी की तुलना में लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर समर सीजन में आप खाली पैर रोड पे नहीं चल सकते क्योंकि लैंड बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है लेकिन पानी में फिर भी अगर कोई पॉन्ड हो आपके घर के आसपास उसमें फिर भी हम डाल सकते हैं दिस ओनली शोज दिस लैंड गेट्स फास्टर ड्यूरिंग द डे टाइम So, जो भी चीज हॉट होगी वहां से जो एयर मौजूद होगा वो क्या होगा हॉट एयर विल ऑलवेज राइज अप, ये हमने लर्न कर लिया है एंड वेन हॉट एयर राइजेस खाली जगह बन जाती है और इस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र से कूल cool एयर अंदर इस तरफ आ जाते हैं लैंड के ऊपर का एयर तो हॉट है वो ऊपर चढ़ गया द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक द प्लेस और क्योंकि कूल cool एयर नीचे से लैंड तक आ गई द वॉर्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड्स द सी एंड लाइक दिस इट कम्प्लीट द फुल साइकिल विच यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ और ठंडे समुन्दर से ये जो हवा लैंड की तरफ आई दिस एयर इज कॉल्ड द सी ब्रीज दैट इज द एयर फ्रॉम द सी टू द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज और इसीलिए दिन के टाइम ये हवा ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है और इसी ठंडी हवा को फील करने के लिए कोस्टल एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उनके जो घर होते हैं वो सी फेसिंग होते हैं लेकिन नाइट टाइम क्या होता है नाइट टाइम इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स एकदम उल्टा हो जाता है पूरे दिन भर में सूरज की रोशनी से हीट पाकर ये समुंदर का पानी भी आफ्टर ऑल गर्म हो जाता है इवन रात के टाइम में भी हल्का गर्म रहता है लेकिन जो लैंड होता है वो ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है वाटर कूल्स डाउन स्लोली एंड द लैंडल्स फास्टर सो यहाँ पे गर्मी है तो यहाँ पे मौजूद जो एयर होगी नौ दिस एयर विल स्टार्ट टू राइज अप और लैंड में प्रेजेंट जो एयर है वो ठंडी हवा होगी सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड विल मूव टूअर्ड्स द सी हॉट एयर विल राइज अप एंड मूव towards द लैंड एंड द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड विल मूव towards द सी और इस तरीके से भी हवा का एक साइकिल पूरा होता है एंड दिस साइकिल ऑफ कूल एयर फ्रॉम द लैंड इज कॉल्ड लैंड ब्रीज इसलिए रात के टाइम अगर आप समुद्र के नजदीक बैठोगे तो आपको उतनी ठंडी हवा फील नहीं होगी जितना दिन के टाइम फील होती है सो दिस वॉज ऑल अबाउट कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड एयर बट वी लिस्टेड थ्री वेज बाई विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड तीसरे वाले मेथड में भी पार्टिकल मूव नहीं करता लेकिन वो हीट को उछाल के अपने फ्रेंड के पास भेज देता है दैट इज देयर इज नो नीड ऑफ एनी मीडियम कंडक्शन में मीडियम सॉलिड था कन्वेक्शन में मीडियम वाटर था दैट इज लिक्विड नहीं तो एयर था लेकिन तीसरे वाले मेथड में कोई मीडियम ही नहीं चाहिए एंड दट इज द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन आर ए डी आई ए टी आई ओ एन रेडियशन वेन एवर वी कम आउट अंडर दी वॉर्म लेकिन सन और अर्थ के बीच में जो स्पेस मौजूद है वहां पे तो एयर है ही नहीं देर इज नो एटमोसफेयर एट ऑल इन द स्पेस तो फिर सूरज की गर्मी सूरज का वॉर्म्थ हीट कैसे अर्थ तक पहुंचती है दैट इज बाई दिल रिफाइन रेडिएशन टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच नो मीडियम इज रिक्वायर्ड और वी कैन ऑल्सो से लाइक दिस ट्रांसफर ऑफ हीट बाई रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम रेडिएशन कैन टेक्स प्लेस अगर कोई मीडियम प्रेजेंट है तो भी अगर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है तो भी फॉर एग्जाम्पल विंटर की सीजन में बहुत सारे लोग ऐसे लकड़ियों को जला के अपने हाथों को गर्म करते हैं दे फील हीट विद दिस काइंड ऑफ हॉटनेस कमिंग इन द एयर सो हाउ पीपल फील दिस काइंड ऑफ हीट दिस इज बिकॉज ऑफ द रेडिएशन हम जब भी किसी यूटेंसिल को फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ कंडक्शन लेकिन उसी बर्तन को यूटेंसिल को फ्लेम से बाहर निकाल के रख देते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो ठंडा हो जाता है बिकॉज ऑफ द रेडिएशन उस यूटेंसिल ने अपने अंदर का हीट अपने सराउंडिंग में ट्रांसफर कर दिया गर्मी के सीजन में जब हमारी बॉडी को गर्मी लगती है दैट मीन्स वी आर रिसीविंग द हीट फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स बाय द रेडिएशन एंड वी गिव आउट द हीट टू द सराउंडिंग ऑल्सो बाई द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन ओनली जितने भी हॉट बॉडीज़ प्रेजेंट हैं जैसे यहाँ पर जलता हुआ फायर रूम हीटर एनी हॉट बॉडी फ्लेम या फिर हॉट यूटेंसिल्स ऑल दीज आर हॉट बॉडीज एंड ऑल द हॉट बॉडीज विल ऑलवेज रेडिएट हीट यानी कि वो अपने अंदर से गर्मी को ताप के रूप में जैसे बाहर निकालते रहते हैं और यही हीट जब बाहर निकल के किसी और ऑब्जेक्ट पे पड़ता है उसका थोड़ा सा पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है थोड़ा सा पोर्शन एब्जॉर्ब होता है और थोड़ा सा पोर्शन ट्रांसमिट हो जाता है यानी कि ट्रांसफ़र हो जाता है किसी और चीज़ पे। एंड दैट इज़ वाई हम समर्स में अम्ब्रेला यूज़ करते हैं क्योंकि सूरज के नीचे हम डायरेक्ट रहेंगे तो सूरज का हीट रेडिएट करके डायरेक्ट हमारे पास आएगा बट इफ वी हैव अम्ब्रेला ऑन टॉप ऑफ अवर हेड तो सूरज की रोशनी अम्ब्रेला पे जाकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी थोड़ा सा एब्जॉर्ब होगा बट मोस्ट ऑफ द हीट ऑफ द सन विल रिफ्लेक्ट आउट ऑफ इट समर सीजन की बात कर ही रहे हैं तो क्या आपने कभी नोटिस किया है की कि हम समर में लूज लूज सॉफ्ट कॉटन के कपड़े पहनते हैं और विंटर में मोटे गर्म और वुलन क्लोथ पहनते हैं सो देअर ऑल्सो हीट ट्रांसफर इज रिलेटेड वी आर गोइंग टू स्टडी इन अवर नेक्स्ट पार्ट सो स्टेट वी विल मीट वेरी सुन थैंक यू वेरी मच बाय बाय